हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ पाठ जामुन का पेड़। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रात में चले तेज आंधी के कारण जामुन का पेड़ सचिवालय के लान में गिर गया, जिसके नीचे एक आदमी दब गया था। माली ने देखा तो यह बात उसने चपरासी को बताई। माली ने देखा तो यह बात उसने चपरासी को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे सचिवालय में फैल गई। सभी जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख जता रहे थे, लेकिन दबे हुए आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। कुछ मंचले क्लर्कों ने कानून की परवाह के बिना निश्चय किया कि पेड़ काटकर आदमी को निकाल लिया जाए, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि मामला कृषि विभाग का है, इसलिए पेड़ को वे काट नहीं सकते। इस प्रकार मामला व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुँच जाता है। कृषि विभाग वाले मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंप देते हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार था। तभी सबको पता चलता है कि दबा हुआ व्यक्ति शायर है। इस खबर के फैलते ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और मामला कल्चर विभाग में भेज दिया जाता है। दबा हुआ आदमी दर्द से पीड़ित था और अपने निकाले जाने के फैसले के इंतज़ार में था। फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने ही वाले थे। तभी पता चला कि जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और इसे काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ जाते हैं और इसे काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ जाते इसलिए आदेश को रोक दिया गया। प्रधानमंत्री दौरे से वापस आए तो उन्होंने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली। इस प्रकार पेड़ काटने की अनुमति मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दबा हुआ आदमी मर चुका था और उसकी जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी। इस प्रकार सरकारी आदेश और उसकी संवेदनहीनता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में हार गया था। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और मुझे टॉपिक आप लोग सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।